बोलिए मेरे साथ, और वो हम पाके रहेंगे। प्रकृति ने हमें बनाया है, प्रकृति ही हमें स्वस्थ कर सकती है। न्यू डाइट सिस्टम यही सिखाती है हमें बीमारियों से, दवाइयों से और दुखों से छुटकारा चाहिए। हमें श्वास, अखंड श्वास चाहिए, अखंड खुशी चाहिए, अखंड आनंद चाहिए। तो प्रकृति के विज्ञान के साथ जुड़िए, न्यू डाइट सिस्टम के साथ जुड़िए, नई भोजन प्रथा के साथ जुड़िए। गुरुदेव के लिए, चौहान गुरुजी के लिए जोरदार तालियां। आज भी निस्वार्थ भाव से इसमें ही लगे हैं, घूमते रहते हैं। एक आदमी मिल गया तो भी ठीक है, 50 हो, 10 हो, 500 हो, 5000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही प्यार, वही लगन से बिना अपेक्षा सब कुछ समझाते हैं। और अब बस यही चाहते हैं कि ये जो बीमारियों से हम ग्रसित हो चुके हैं, और बीमार आदमी को अच्छा सोचना पॉसिबल नहीं है, ये भी बता देता हूँ, वेरी डिफिकल्ट। करोड़ में 2-4 आदमी लोग होंगे जो बहुत बीमार होने के बावजूद भी अच्छा सोच सकते हैं, बाकी तो अपने दुख और पीड़ाओं में ही अंदर घूमते रहते हैं। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए चौहान सर। देखिए, न्यू डाइट सिस्टम जो है उसकी सबसे बड़ी खूबी है, यहाँ पे धर्म, जाति, भाषा, प्रय, प्रांत, ऊंच नीच, गोरा काला, स्त्री पुरुष का कोई भी भ्रम या भेद नहीं रखा जाता है। सब में एकात्मा का भाव है और सबको एक समान गिना जाता है। तो ये जो ईश्वरीय व्यवस्था है, इसमें जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी आए हैं तो आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, चौहान सर ने तो अपने से शुरुआत की थी, फिर अपने घर वालों पे, रिश्तेदारों पे, फिर ऐसे बढ़ते 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 गया। आज भारत में 90 से ज़्यादा सिटीज में कोई ना कोई सेवक आपको मिल जाएगा, और बड़े खुशी से आपको ये समझाने के लिए अपना समय और सब कुछ देने को तैयार है। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी ये फैल चुका है, और बाहर भी प्रोग्राम्स होते हैं। क्यों फैला है? ये कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, इनकी कोई रजिस्टर्ड ऑफिस भी नहीं है, फिर भी जन जन तक फैला क्यों? आज हमको फोन कहां कहां से आते हैं, सोच नहीं सकते। कोई कोई गांव से, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, कोई ये कंट्री से आता है, कोई वो कंट्री से आता है, कोई 60-70 साल की लेडी फोन करती है, कोई डॉक्टर फोन करता है, कोई ये करता है, कोई अनपढ़ आदमी भी फोन कर लेता है कि मेरे घर में ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी का सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। सदुपयोग हुआ इसलिए उन्होंने ढूंढ के कहीं ना कहीं से खोजते खोजते एनडीएस को ढूंढ के निकाला। कुछ प्रयोग किए उन्होंने, कोई सेमिनार अटेंड नहीं किया था, खाली वीडियोस देखे और अपने भी प्रयोग कर लिया, उनको रिजल्ट मिले। रिजल्ट मिलने के बाद अभिवादन देने के लिए या कुछ और जिज्ञासा बस उनको जानना था, इसीलिए वो फोन करते हैं। वो भी शर्मा के फोन करते हैं, यार अभी कहाँ फोन करूँ, बात करें नहीं करें, सब ये है वो है, क्योंकि यहाँ कोई चार्जेस तो है नहीं। लेकिन जब हम बड़े प्यार से उनसे 15 मिनट आधा घंटा बात करते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े आनंदित हो
हमने सोचा नहीं था कि आप लोग हमको इतने आदर सम्मान से बात करेंगे। हम तो सोचते हैं इन्होंने हमें सेवा का मौका दिया तो हम उनको धन्यवाद देते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि हमने ये दिया इसलिए वो हमको धन्यवाद देते हैं, लेकिन ये परस्पर धन्यवाद का जो है तालमेल बनाना है। तो ये फैला है, तो ये जो भी व्यवस्थाएं हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसके लिए जोरदार तालियां बजाइए। लेकिन टेक्नोलॉजी का विवेकपूर्ण उपयोग कीजिए। ये टेक्नोलॉजी की वजह से आपको अच्छा भी मिल सकता है, उससे अनेक गुना हजार गुना ज़्यादा बुरा चीज भी है, बुरी चीज़ें भी है, उससे बचिए। अपने विवेक को जगाइए, सही और गलत को समझिए और फिर अपना निर्णय लीजिए, क्योंकि बहुत ही बुरी बुरी चीज़ें भी उतनी ही अवेलेबल है जो आपको बर्बाद कर सकती है, तो उसका विवेकपूर्ण उपयोग कीजिएगा। अभी ये देखिए कितना अद्भुत शरीर मिला है, आपने देखा एक साथ कितने हजारों काम हो रहे हैं। मैं यहाँ से नाक से सांस ले रहा हूँ, अंदर छाती में जाता है, छाती ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड वापस देती है, उसी को लेके खून जाता है, एक एक नस नाड़ियों में देता है कि नहीं, एक एक सेल को सप्लाई करता है, एक एक सेल जो है उसका काम करता है, किडनी अपना काम करती है, लीवर अपना काम करता है, छोटी आंत अपना काम करती है, बड़ी आंत अपना काम करती है, मेरी मांसपेशियां अपना काम करती हैं, आंखें अपना काम कर रही हैं, नाक अपना काम कर रही है, जीभ अपना काम कर रही है, दिमाग अपना काम कर रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ मेरी उंगली हिली, कितनी चीजें एक साथ हुई तब जाके हिली। मैं बोल रहा हूँ तो मैं कुछ सोच रहा हूँ, उसमें से फिर मेरे इधर कमांड गए, मेरे में से कुछ आवाज आई, वो आवाज आपकी कान तक गई, आपने सुना, आपके मस्तिष्क में गया, आपने उसको सही गलत सोचा और आपने अच्छा है बुरा है जो भी करना था वो सोचा। ये सब कितनी स्पीड से हो रहा है कि नहीं? तो अद्भुत शरीर मिला कि नहीं है? हाँ, तो कभी इस अद्भुत शरीर को धन्यवाद दिया आपने? कभी सुबह उठ के धन्यवाद तो दो। इस शरीर को दो, इस शरीर जिसने दिया आपको उसको धन्यवाद दीजिए, जो निमित्त बने माता पिता उसको भी धन्यवाद दो, और जिसने ये पूरी व्यवस्था बनाई हमारे लिए उसको तो बिल्कुल देना ही है, क्योंकि आपका नहीं, आपके माँ बाप का, आपके दादा परदादा 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 ये वो सबका पोषण वो ही करता है, और आपका नहीं, सभी जीवों का पोषण जो है जन्म से अंत तक कौन करता है? तो उसको कभी ना कभी तो धन्यवाद दो। सब कुछ बढ़िया है सर, आप तो मेरे को पहले से विवाद करेंगे। इतना अद्भुत वैज्ञानिक तंत्र मिला है, फ्री में मिला है, लेकिन वैल्यू क्या की है? जीरो। जंक फूड खाते हो जीरो वैल्यू करती ना, फास्ट फूड खाते हो, सड़ा हुआ मसालेदार खुराक खाते हो, पशुजन्य खुराक खाते हो, नॉन वेज खाओ या दूध या डेयरी प्रोडक्ट लो, ये उसका अपमान है, कुदरत की व्यवस्था का अपमान है। चलो अभी मुझे ये बताइए, ये चार तस्वीरें हैं, इसमें से स्वस्थ कौन है? नंबर वन, जितनों को लगता है नंबर वन स्वस्थ है हाथ ऊपर करें।
नंबर टू, एक को लगता है हाँ वो स्वस्थ है। नंबर थ्री, कितने जन को लगता है स्वस्थ है? नंबर फोर, फोर और कितनों को लगता है एक भी स्वस्थ नहीं? जिन्होंने हाथ ही ऊपर नहीं किए वो हाथ ऊपर करे भाई, जिन्होंने एक भी जगह हाथ ऊपर नहीं किए वो हाथ ऊपर करे अभी। आपने कहीं भी हाथ ऊपर नहीं किए थे? और बस एक ही है सर, मैं देख रहा हूँ बहुत ने किसी में हाथ किए नहीं। अरे वापस कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो हाथ नीचे ही रखो। अच्छा, नंबर वन में एक आदमी था, भैया ये नंबर वन क्यों स्वस्थ दिखाई दिया आपको? आपने हाथ ऊपर किया था ना, हाँ, तो क्यों ये स्वस्थ दिखाई देता है आपको? हाँ, बॉडी बिल्डर है, तो नंबर दो उससे बड़ा बॉडी बिल्डर है। नंबर एक में किसने हाथ ऊपर किया था? चलो जाने दो, नंबर वन में, नंबर दो में एक ने, आपने बॉडी बिल्डर है इसलिए। नंबर तीन में आप लोगों ने क्यों हाथ ऊपर किया, क्या देखा उसमें? हाँ, फिटनेस अच्छी है और हाँ मुस्कान है आपका भी। अभी मैं फोटो निकालू तो आप मुस्काएंगे कि नहीं? उतने बीमार आदमी का भी निकालो फोटो सेशन में तो हर कोई हंसता है, वो बोलता है स्माइल स्माइल। सर पर इसमें कसमें है, हेल्दी तो है लेकिन कसमें है। बराबर है, मैंने पूछा है। नंबर चार में, नंबर चार में भी बहुतों ने हाथ ऊपर किए, क्या भैया क्यों किया? फेस पे चाम है। अरे भैया तो सभी यूरोपियन ऐसे ही दिखते हैं, तो क्या सभी स्वस्थ है? कंफ्यूजन देखिए, नंबर वन का पेट थोड़ा बाहर दिखता है ओबेस है, मोटा दिखता है, तो आप बोलेंगे उसमें हाथ नहीं किया तो मैं समझ सकता हूँ। नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार स्वस्थ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, नंबर दो जो है, जो बॉडी बिल्डर है, आज स्वस्थ होगा लेकिन अगले 5-10 साल के बाद में वो स्वस्थ रहेंगे कि कोई गारंटी नहीं है। कि जितने भी पहलवान हुए हैं, बॉडी बिल्डर हुए हैं, वो 30-40 साल की उम्र में बड़ी बीमारियों में फंस गए हैं। लेकिन बॉडी बिल्डिंग का इतना पागल क्रेज हो चुका है, हम कुछ भी करने को तैयार है, बॉडी बिल्डिंग बस होनी चाहिए। ज़्यादातर बॉडी बिल्डर को बोलिए, आपकी 40 साल की उम्र के ऊपर वाले बॉडी बिल्डर को देखिए कितनी बीमारियां लेके घूम रहे हैं। तो नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार स्वस्थ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सबसे बड़ी बात है, फिजिकल लुक्स देके किसी का भी डिसीजन मत लीजिए कि वो स्वस्थ है कि नहीं है। अगर फिजिकल लुक्स से ही लेना था तो हमारे फिल्म स्टार और सेलिब्रिटीज क्या कम थे क्या? कोई एक फिल्म स्टार बताओ या सेलिब्रिटी बताओ जो स्वस्थ मृत्यु पाना, वो जिसका मृत्यु स्वस्थ हुआ है, कोई एक सेलिब्रिटी बताओ। वो ऋषि कपूर से लेके सबको ले लो, ज्यादातर सब कैंसर से गए। यस और नो? और वो भी कौन सी उम्र में कैंसर हुआ था? 40-50 की उम्र में। तो किस एंगल से आप बोल रहे हो कि स्वस्थ है? फिजिकल लुक्स देखे, और फिजिकल लुक्स से देखना तो क्या है, मैं खुद तो पूरा टॉप टू बॉटम बीमारी दिखता हूं, चश्मा है, सर पे बाल नहीं है, और बॉडी के सर। तो फिजिकल लुक से मत जाइए, एनर्जी लेवल पे जाइए, इसकी ताजगी स्फूर्ति क्या है। तो एनर्जी लेवल का मापदंड रखिए, सुबह उठता है, रात को सोता है, कितना ताजगी स्फूर्ति में रहता है, कितना खुश रहता है, एक ही मापदंड है। क्लियर? ये जो तस्वीर है, इसमें सभी कॉम्बिनेशन मैंने लेने की ट्राई की है, गोरा है, काला है, छोटी बच्ची है,
छोटा बच्चा है, गरीब है, अमीर है, जवान भी है तो वृद्ध भी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेशनल है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई साधु संत महात्मा है, कोई वेजिटेरियन होगा, कोई नॉन वेजिटेरियन होगा, हर एक की अपने अपने लाइफस्टाइल है, कोई अमेरिकन भी हो सकता है, कोई जापानीज भी हो सकता है, कोई चाइनीज भी हो सकता है, कोई गुजराती भी हो सकता है, कोई मारवाड़ी भी हो सकता है, कोई राजस्थानी भी हो सकता है, कोई बंगाली भी हो सकता है, कोई मद्रासी भी हो सकता है, कोई पॉलिटिशियंस भी हो सकता है, जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो सब इसमें है या नहीं है, बराबर है, इतना सारा वेरिएशंस है, बराबर है, देश से लेके, लाइफस्टाइल से लेके, खुराक से लेके, सोच से लेके, पढ़ाई से लेके, मान्यताओं के लेके भी भिन्नता है क्या नहीं। सबसे बड़े एडवांस कंट्री कौन है और सबसे पिछड़ा हुआ कंट्री कौन सा है? हाँ, अफ्रीकन कंट्रीज, बराबर है, सभी इसमें है, कुछ ना कुछ है। इस सब में कॉमन क्या है मुझे बताइए, इस सभी में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? सबसे मॉडर्न है, सभी ह्यूमन बींग्स है, सभी आत्मा है, वो सब के लिए मैंने बात नहीं कर रहा हूं, सभी बीमार है। अमेरिका में बीमारी है या नहीं है? अफ्रीका में है या नहीं है? हिंदुओं में बीमारी है कि नहीं है? मुसलमानों में है कि नहीं है? क्रिश्चियनों में है कि नहीं है? जैनियों में है या नहीं है? बौद्धों में है या नहीं है? सिखों में है या नहीं है? शाकाहारियों में है या नहीं है? मांसाहारियों में भी है, गरीब में भी है, अमीर में भी है, डॉक्टर्स में भी है, साधु संत महात्मा में भी है। क्यों? समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? टेक्नोलॉजी हो या शास्त्र हो या ये सभी चीज है, आपको सही डायरेक्शन की ओर नहीं ले जा रही है। कहीं भौतिकवाद ने मार दिया और हमारी अंधी दौड़ भौतिकवाद की ओर लग गई, कहीं हमको अध्यात्म या तो धर्म के नाम पे उलझाया गया, कहीं भोग में दबाया गया, यही सब चीज हो रही है, आपको समझना है। और आप सभी का बहुत बड़ा पुण्य है, ये धरती बहन के मैसेज या हरीश भाई के मैसेज कितनों तक गए होंगे बताइए, कितनों तक गए होंगे, ये व्हाट्सएप के द्वारा कितनों को गए होंगे? हाँ, हजारों लाखों में गए होंगे, 10,000-20,000 तो कम से कम गए होंगे, क्योंकि व्हाट्सएप में भी हर कोई खुलता तो नहीं है। कितने आए? 30-35 जो भी हो। क्यों कम आए? मुझे एक चीज बताइए, आज आपने इतने 4-5 दिन तो अटेंड कर लिए, क्या लगता है ये करने जैसा है कि नहीं? कितने को पछतावा है कि हम यहाँ आके फंस गए बताइए? नहीं, शर्म मत रखो, ना तो हरीश भाई की रखो, ना तो धरती बहन की रखो, ना तो मुकेश भाई की, ना तो मेरी, या तो आपके अड़ोस। कितनों को लगता है यार फंस गए इधर आके? कितनों को लगता है कि मुझे चमत्कारिक लाभ मिलेंगे? नहीं, जबरदस्ती नहीं है, किसी को डाउट भी है, आज भी डाउट हो सकता है। देखो, एक बहन जी सोए है, क्या आपके पीछे हुए है? एनीवे, बोलने का मतलब है, आपने भी कुछ सोचा होगा, चिंतन मनन किया होगा कि नहीं जाऊं नहीं जाऊं, ये है वो, कितनी शंकाएं की होगी, फिर भी आप आए,
कुछ विश्वास लेके आए होंगे, किसी के इंस्पिरेशन से आप आए, कोई तो कारण था आप लोग आए। सबसे बड़ा कारण था आपके पुण्य का उदय हुआ। क्या हुआ? आप में ये जिज्ञासा जागी, उसी को मैं पुण्य का उदय बोलता हूं, इसीलिए आप यहां आए हैं। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी के लिए। लेकिन इस पुण्य को टकाए रखिए। वो छोटे बच्चे ने जो वीडियो दिखाया ना, बार बार याद कीजिएगा, छोटी छोटी चीज करके कुछ नहीं होने वाला है, मोटा प्रयत्न करना पड़ेगा। वो गंदगी जो हमारे भीतर है उसने साफ की कि नहीं की? छोटे छोटे प्रयत्न किए के मोटे प्रयत्न किए, पूरी पवित्र पाइपलाइन अंदर डाल दी, तो फिर अंदर का कचरा, समझ गए रहस्य? फिर मैं एक चीज खाऊंगी, बाकी तो वही खाऊंगी, थोड़ा ऐसा ऐसा सोचूंगी, थोड़ा थोड़ा करूंगी, तो फिर वो थोड़ा 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 फायदा दिखाई भी नहीं देगा। समझ रहे हैं? तो आत्मबल जगाइए, पुरुषार्थ कीजिए, तो सफलता आपके साथ है। क्लियर? मजा मजा कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जब इच्छा हो दिल से अंदर आती हो तो ही बजाइए। ये देखिए हमारी सेलिब्रिटीज है, शशि कपूर है, प्राण है, राजेश खन्ना है, विनोद खन्ना है, देवानंद है, अटल बिहारी वाजपेयी जी है, उसके नीचे कौन है? अंबानी जी आए। वाजपेयी जी के बाजू में कौन है? उसके बाजू में कौन है? अरुण जेटली के नीचे कौन है? बॉक्सर है ना? नहीं, मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली के बाजू में क्या है? कौन है? मुंबई एटीएस के चीफ हिमांशु रॉय। कौन है? ये हिमांशु रॉय के, पहले एक चीज मैं बता दूं, और एक चीज है, शशि कपूर के बाजू में कौन है? जोरदार तालियां बजाई उन्होंने बताया, जय ललिता। ये टू इन वन थी, हीरोइन भी थी अपने जमाने की, बाद में सबसे शूट पॉलिटिशियन भी थी, बराबर है, टू इन वन थी ना। अभी इसमें कॉमन क्या है? पहली चीज है, इनमें से कोई भी आज हमारे साथ नहीं है, सभी रेप्यूटेड थे, नॉन पर्सनालिटी थे, हर कोई सब इनको जानता है, ये हमारे एटीएस के चीफ हिमांशु रॉय, अगर उनकी बॉडी देखेंगे तो ऐसा लगता है आज का भीम है। कौन है? इधर से एक झापट मारेगा मैं तो सीधा बॉम्बे पहुंच जाऊंगा, ट्रेन में जाने की जरूरत नहीं, हरीश भाई को बुकिंग कराने की जरूरत नहीं। हर कोई सोचता मेरी बॉडी भी इसके जैसी ही होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली आज हमारे साथ नहीं है। 52 की एज में उन्होंने सुसाइड किया। क्या किया? क्यों? वो भी अपने रिवॉल्वर से उन्होंने किया। क्यों? उनको बीमारी हो गई। कौन सी बीमारी? कैंसर की। पूरे वर्ल्ड घूमे इसके ट्रीटमेंट के लिए, कहीं कोई इलाज नहीं मिला, डिप्रेशन में चले गए कि मेरे जैसा आदमी हेल्थ आइकॉन इतना बीमार और उसका कोई इलाज नहीं, तो ये सोच, ये डिप्रेशन में उन्होंने अपनी सुसाइड की।
ये मोहम्मद अली जो है नंबर वन बॉक्सर था अपने जमाने का, उसको हराने का पॉसिबल ही नहीं था। 33 साल की उम्र, 33 की एज तक उसने बॉक्सिंग की और मैं गायब हो गया। 66 की एज में पता चला इज नो मोर, खत्म। क्या इनके पास, सभी के पास पैसे की कमी थी, इंफॉर्मेशन की कमी थी, कोई डॉक्टर्स, कोई जड़ी बूटियां इन्होंने ट्राई नहीं की होगी, कितने अस्पतालें ट्राई की होगी, लेकिन खोया हुआ स्वास्थ्य वो पाए? ऐसा नहीं है कि प्रकृति का विज्ञान भी इनके पास गया होगा, इन्होंने ध्यान से समझा नहीं होगा, या तो उनका आत्मबल ही नहीं था ये सब करने के लिए। अभी भी खाना छूटता नहीं, पकाया हुआ भोजन के लिए ही होता है, तो नहीं किया होगा ये प्रकृति का विज्ञान। तो ये मोहम्मद अली जो है पार्किंसंस और डिमेंशिया से पीड़ित थे, कंपावत जो बोलते हैं ना, डिमेंशिया, याद शक्ति चली गई और 66 की एज में चले गए। सभी बीमार होके गए, सब कुछ होने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति किसी की इसके जैसी है, तो आप सोच सकते हैं परिस्थिति आपके लिए उससे भी ज्यादा विकट होगी। तो सत्य समझिए और ये इन सब के चेहरे देखिए, अपने जमाने में कैसे दिखते थे और जब अंत समय आया तो उनके चेहरे कैसे थे। अरे उनको खुद को पसंद नहीं थे अपने चेहरे देखने में के लिए, और जिसके लिए हम जो है ब्लैक में टिकट लेते थे, कॉलेज और स्कूल में डांडी मार के जाते थे, आज उनको ही अपने चेहरे पसंद नहीं है। तो ये सत्य को भी समझिए, मेकअप पेंटिंग डेंटिंग करके वो अच्छे दिखते थे, लेकिन यहाँ मेकअप भी तो क्या करे, ऊपर वाले का मेकअप देख लीजिए कैसे बनाया ऊपर वाले ने इनको, समझ रहे हैं। और मैं आज यहां आप सभी को बता देता हूं, नो मेकअप इज द बेस्ट मेकअप। क्या बताया मैंने, ऊपर वाले ने जैसा शरीर दिया वैसा स्वीकार कर लो ना, क्यों दुनिया को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो? खुद को अच्छा दिखता है, खुद को मालूम है या नहीं है तो किसको अच्छा दिखा रहे हो? ऊपर वाले को पता है ना तो किसको फंसा रहे हो? सामने वाले को भी पता है, इधर पेंटिंग डेंटिंग करते हैं, ऊपर जो है का धोला है तो काला करते हैं, और काले काम को धोला करते हैं, धोले को काला करते हैं, क्यों इतना जरूर है? कितने केमिकल डालते हो अपने सर पे, अपने शरीर पे, बदबू आ रही तो स्प्रे करके आ जाते हैं, वॉशरूम में जाओ तो वो लटकाया ये लटकाया, क्या है? क्यों इतनी सारी बाहर की जरूरत पड़ती है? खुद को शुद्ध कर लो और है वैसे स्वीकार कर लो। पता नहीं क्या तकलीफें हैं। आज कहीं ना कहीं सफेद बाल जो है कम दिखते हैं पुरुषों में, तो भी दिखते हैं, लेकिन आज वो भी पेंटिंग डेंटिंग के लिए चले जाते हैं, वीक पहन के भी आ जाते हैं। नहीं है तो नहीं है, ऊपर वाले की सजा है, मैंने भुगत रहा हूं, स्वीकार करो ना। इसका भी बहुत तनाव है, तो इतना बोझ लेके मत घूमो, है तो है, नहीं है तो नहीं है। और ये सब भी असर करती है, आप ये जो लगाती है ना, जो भी सर में, क्या लगता है वो केमिकल नहीं है? कुछ केमिकल है, वो कंपनी को पैसा कमाने हैं, उसको आपके स्वास्थ्य के बड़ी है। ये आपके सर के बाल पे लगता है, उसके छिद्रों पे जाता है कि नहीं, अंदर कुछ जाता होगा कि नहीं, उसकी कुछ असर होगी कि नहीं, कोई दिव्य असर होगी नहीं, कुछ जहरी जाता होगा कि नहीं। तो अभी किसको बताने के लिए कर रहे हो, किसको भ्रमित करने के लिए कर रहे हो?
सोचो जरा, जया बच्चन को आप जानते हो ना, वो अपने एक जमाने की हीरोइन थी, उसके सर के बाल कैसे हैं, वाइट है। और अमिताभ, उसके तो बाल उड़ गए, वो विग पहन के घूम रहा है, उसमें कहीं सफेद कहीं काला, वो जो मन चाहिए वो कर सकते हैं। तो जया बच्चन के लिए तालियां बजा ही दे। तो एक चीज समझना है, किसी का देख लुक्स देख के, किसी का वचन देख के, किसी की शरीर में कैसे मसल्स है, कलर है, जाड़ा है पतला है, इससे अनुमान लगाने की कोशिश मत कीजिए कि वो हेल्दी है या सुखी है। स्माइलिंग फेस देख के हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि फोटो में कोई ऐसे मुंह बिगाड़ के थोड़ी खड़ा रहता है। कैमरा मैन ही बोलता है सर स्माइल स्माइल, थोड़ा ऐसा रखो ऐसा रखो, सब करता है कि नहीं, नेचुरली होना चाहिए। आज जो है पैसा परमेश्वर से महान हो गया, बहुत महान हो गया। पैसा मिलता है तो परमेश्वर को बोलेंगे बाद में देखेंगे, 60 साल के बाद में, रिटायर होने के बाद में, या कुछ भी काम के नहीं है, निकम्मे बन गए, घर वाले को भी घर में भी बोझ बन गए, तो ऊपर वाले को याद करोगे वो फिर वो कैसा भगवान मिलेगा, सब ढोंगी हो आपको भगवान देंगे, चल इधर बैठ जा, चल तू इधर बैठ जा, इतना पैसा दे दे, ये कर ले वो कर ले। सही परम ईश्वर तो अपने साथ है, उसका अनुभव करना है। संपत्ति के लिए हम स्वास्थ्य भी खोने को तैयार है। पैसा मिलता है तो हम कोई भी काम करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है, घर भी छोड़ने को तैयार है, परिवार को भी छोड़ने को तैयार है, देश भी छोड़ने को तैयार है या नहीं, गलत काम करने को भी तैयार है। क्यों? संपत्ति चाहिए। झुनझुन वाला को देखो कुछ लेके गया, अंबानी जी कुछ लेके गए, आप कुछ लेके जाओगे तो साथ में क्या लेके जा सकते हो, उसके लिए मेहनत करो। साथ में क्या लेके जा सकते हो, हाँ, सत्कर्म साथ में आएंगे, दुष्कर्म भी साथ में आएंगे, तो कर्म जो करते हैं उस पर फोकस करो। दुनिया को पता चले या ना चले, खुद को तो पता चला, तो ऊपर वाला जब हिसाब करेगा तो इसको कुछ नहीं, विटनेस नहीं बुलाएगा, भाई तेरी पेनड्राइव को ही चेक कर लेता हूं ना, अंदर तो है ना, उसको ही चेक करेगा। तो दुनिया क्या बोलती है, आज अपनी कोर्ट कैसे डिसाइड करती है, विटनेस के हिसाब से ना, और विटनेस से मैनिपुलेशन होता है, आप सभी को पता है। तो वहां तो कोई विटनेस ही नहीं है, तुम खुद ही विटनेस हो। तुम्हारे अंदर जो संग्रह है, जो विचार है, जो स्मृतियां है, उसको ही देखेगा। इमीडिएट असेसमेंट, ऑर्डर पास, आपका अगला जन्म फिक्स। समझ रहे हो? और स्वाद, स्वास्थ्य की ऐसी की तैसी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या चाहिए? स्वास्थ्य जाए तो जाए, हमको तो स्वाद चाहिए। अभी ये जंक फूड, वो बिचारे ने तो बोल के दिया कि मैं जंक, जंक का मतलब जानते हो क्या? जंक का मतलब क्या? बंगार, कुछ काम का ही नहीं। समझ में आ रहा है? जंक का मतलब जिसका कोई काम ही नहीं, बंगार है, सड़ चुका है। तो जिसने जंक फूड लिखा उसने इतनी तो ईमानदारी दिखाई ना कि मैंने तो बोल दिया ये जंक फूड है, फिर भी सभी पढ़े लिखे युवा वर्ग बड़े प्यार से खाते हैं कि नहीं, आज माँ बाप भी खाते हैं कि नहीं उसके साथ में, तो मिस्टेक किसकी, जंक फूड की या आपकी?
इतना प्रगाढ़ शब्द आपको दे दिया ना, अरे टेस्ट के सामने जंक लिखा है लेकिन फिर भी उधर दिमाग चलता ही नहीं ना। क्या कर रहे हैं हम, इतने भी समझ नहीं है, इतने घुटने टेक दिए क्या? अभी नॉनवेज लिखा है फिर भी आप नॉनवेज होटल में जाके बोलेंगे तो क्या मतलब है? आपको लिखा था नॉनवेज फिर भी आप जा रहे हो, क्या करूं खा लिया। अरे पढ़ने को आता है कि नहीं? तो ये जंक लिखा है पढ़ने को आता है कि नहीं? फिर क्यों खाते हो? खाते हो तो कंप्लेंट क्यों करते हो? Am I right? नहीं, वो यंग बैठी है इसलिए, क्योंकि उसको तो जंक फूड से ज्यादा कोरिलेशन होगा। हाँ नहीं, इतना नहीं, अभी जाने दो, बाद में अकेले में बात करें। आज का युवा वर्ग तो पागल हो चुका है। कौन सी मैकडोनल्ड्स है, KFC है और क्या क्या है, हाँ डोमिनोज है और हाँ पिज़्ज़ा हट, पिज़्ज़ा हट है या हर्ट है, HURT हॉट नहीं है, HUT है हट, लेकिन वो HURT है। और क्या क्या आइटम इतनी पॉपुलर है जरा बताओ मुझे, तो पिज़्ज़ा बर्गर ऐसा दो चार नाम आते हैं। हाँ मैगी, फास्ट फूड, ऊपर वाले के पास फास्ट पहुंचा देगा। समझ रहे हैं? तो जंक फूड वाले ने एक ईमानदारी बताई, लेकिन हमको तो स्वाद के सामने इतने घुटने, इतनी तो गुलामी हो गई कि हम सत्य समझने को तैयार नहीं। आगे जो है साइंटिफिक रिसर्च क्या बताता है मैं आपको बताऊंगा, मॉडर्न साइंस क्या बता रहा है। स्वाद के नाम पे हम कितने गलत और गंदी चीजें खा रहे हैं। ठीक है, अभी ये तस्वीर देखिए, वो ब्लू कलर में कपड़े हैं वो कौन है? हार्दिक पांड्या। उसके नीचे कौन है? हाँ वेरी गुड, तालियां बजाएं सेरेना विलियम्स के लिए। अभी सब तकलीफ है। हार्दिक पांड्या के बाजू में कौन है पता नहीं, वो डॉक्टर है जिसने चाइना स्टडी की बुक लिखी है, डॉक्टर नील बर्नार्ड। उसके नीचे कौन है? कुछ एथलीट्स है। वो डॉक्टर के बाजू में कौन है? कपल है। और वो कपल के नीचे कौन है मैं नहीं जानता, एनीवे जान लीजिए। हार्दिक पांड्या दिखता कैसा है? इसमें से कोई भी एक चिकना दिखता है क्या? सेलिब्रिटी के जैसा दिखता है हार्दिक पांड्या? अगर यहां से जाएगा कोई देखने को जाएगा, अगर वो पांड्या नहीं था तो एक नॉर्मल सिटीजन है, कोई नजर भी नहीं डालेगा, am I right? इस सेरेना विलियम्स क्या खेलती है? टेनिस खेलती है, बराबर है। हार्दिक पांड्या अगर बैटिंग करता है या उसकी मैच क्रिकेट पे आ रही है, आपको भूख लगी है तो आप डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे या टीवी के सामने बैठेंगे बताओ? टीवी के सामने। भूख चली गई, आप टीवी के सामने बैठ के मैच देखेंगे ना? क्यों? क्या चार फोर मारता है, क्या सिक्स मारता है, क्या फील्डिंग करता है, क्या थ्रो करता है, सीधा विकेट कीपर के हाथ में रन आउट, क्या फील्डिंग पकड़ के कैच पकड़ता है, क्या बॉलिंग डालता है, ये सब नो? तभी आप उसका चेहरा देखते हैं या उसका क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट देखते हैं। ये सेरेना विलियम्स जो है टेनिस की प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास की टेनिस की प्लेयर है, इसमें बहुत ताकत लगती है, करोड़ों रुपया कमाते हैं, तो आप उसका चेहरा देखने जाते हो या टेनिस देखने जाते हो? ये जो डॉक्टर है दिखने में कैसा है? पूरा मुंह है ना, ये डॉक्टर को देखने में कोई अट्रैक्शन है? लेकिन उसने जो काम किया है, जो डाइट पे लिखा है, चाइना स्टडी कभी पढ़ लीजिए,
अद्भुत किताब है, तो वो पढ़ेंगे तभी वो इस डॉक्टर की कौन सी इमेज करेंगे, भैया ये तो भगवान जैसा है। ये एथलीट्स है, अगर रास्ते पे ऐसे ही हो तो आप कुछ नहीं, लेकिन जब ही दौड़ते हैं मैराथन दौड़ते हैं, कितना किलोमीटर होता है मैराथन में भैया? हाँ, 42। इतना मैराथन में कितना किलोमीटर दौड़ते हैं? 42 किलोमीटर, या जो भी है दौड़ते हैं ना। अभी आपको बोले वो 42 किलोमीटर दौड़ा वाला मैराथन का खिलाड़ी आप देखोगे कि नहीं? नजदीक जाके हाथ मिलाने की कोशिश करोगे कि नहीं? थैंक यू सर बोलने की कोशिश करोगे कि नहीं? तो अपने कर्म के हिसाब से बराबर है। लेकिन आज आपकी योग्यता या आपके कर्म के नाम का कुछ भी नहीं है। शारीरिक शोमैनशिप, ब्यूटिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन को करोड़ों रुपया मिलते हैं, बॉडी बिल्डिंग को पैसा है, स्पोर्ट्स को पैसा है, एक ईमानदारी ईमानदार आदमी के लिए कुछ है नहीं। ये सबसे ईमानदार है, सत्यवान है, इसके लिए कोई सम्मान किया है किसी ने? ये चरित्र वाला आदमी है, ये चरित्र वाला कैरेक्टर है, कोई सम्मान हुआ है? हाँ, होना उनका चाहिए, राज इनके होने चाहिए। यहां तो चोर लुफंगे आज राजा बन गए, नेता बन गए, फिर बोलेंगे क्या कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही चलने वाला है। चुना किसने, तभी अपना विवेक क्यों यूज नहीं किया? सबसे कम भ्रष्ट व्यक्ति को मैं वोट दूं? वोट करने करने के दिन हम घूमने को चले जाते हैं, कुछ फायदा नहीं। अरे भैया आप वोट बिल्कुल दो, सबसे अच्छा आदमी है वो, तुम्हारी भाषा धर्म जाति का हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी नैतिकता क्या है, उसके जीवन मूल्य क्या है, कुछ देख के उसको दो ना। ये तो मेरे जाति का, मेरे धर्म का, इसलिए वोट देता हूं, जिसमें से बाहर आई है, पूरा देश बर्बाद हो चुका है उसमें। देख लीजिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, पूरे देश में क्या हो रहा है। ऐसे ही नेता हम पैदा करेंगे तो कल के उठ के आपके बच्चे भी ऐसे ही निकलेंगे। माँ बाप का भी काम नहीं है, भेज दो वृद्धाश्रम, क्या करेंगे? तो कैरेक्टर बिल्डिंग की ओर ध्यान दीजिए, अच्छे आदमी सच्चे आदमी का सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। दो प्रकार के भोजन हैं,